मेरे दिन लोग को नहीं भूल ब्लॉग बना रहे हैं नहीं ऐसे कोई दिक्कत थोड़ी है। नहीं 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 जर्नी हमको 2 लाख मार लीजिए मंजू लेकिन वीडियो नहीं बना। ये आप देख सकते हो पुणे दानापुर का जो कंडीशन है क्या है अभी जनरल में लोग चढ़ने के लिए क्या कर रहे हैं देख सकते हो आप लोग। ये डेली ट्रेन है जो दानापुर से पुणे की ओर जाती है। इधर कुछ ये गंदा तकिया है क्या बहुत गंदा है यार कोई सही दो ना यार इतना गंदा ले मैं नया कहां से ला दूं भाई सील पैक आता है ये तो सील पैक पूरा आता है ये पूरा और ये तकिया इतना गंदा दोगे भाई इतना गंदा तकिया दे रहे हैं बताइए ये कौन ओढ़ा है कौन रखा है भाई हम ले लें चाहिए नहीं चाहिए चेंज कीजिए इसको कर दो आप कंप्लेंट कर दीजिए ये नया नहीं आता भैया तो भाई इसकी जो खोल है वो चेंज करोगे ना ये है ना खोल इधर रखा है ये भी तो भाई वैसे ही गंदा है कहाँ साफ है ये बहुत बेकार सर्विस दे रहा है। अपनी थाली आ चुकी है ये स्टैंडर्ड थाली जो कि 80 की आती है। अरे वो सो लोकोमोटिव को यहाँ से रिवर्स किया जा रहा है तो यहाँ पे साफ सफाई देख सकते हो इस रेलवे स्टेशन की बहुत ही नीट एंड क्लीन ये रेलवे स्टेशन है। सो गाइस ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आलू और मटर की सब्जी दी गई है 2 अंडा है राइस। बाकी आपको कैसा लगा खाना इस ट्रेन का? बस वही है कि एक्स्ट्रा पैसा वो मांग रहे हैं 130 तो हम लोगों ने बिल के बारे में बोला तो वो बोले बिल लेकर आ रहे हैं। गाड़ी संख्या 1944 प्लेटफॉर्म नंबर 1। बैक गाइस दिस इज मोहम्मद साजिद जिशान एंड यू आर वाचिंग डी टू आर जिशान माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस आज की जो ट्रेन जर्नी होने वाली है वो होने वाली ट्रेन नंबर 19484 बरौनी अहमदाबाद एक्सप्रेस जो कि ये ट्रेन वीक में 6 दिन बरौनी से चलकर अहमदाबाद की ओर जाती है। बात की जाए ट्रेन की टाइमिंग की तो ये ट्रेन बरौनी से रात के 8:30 बजे खुलती है और आपको ठीक तीसरे दिन अहमदाबाद 11:50 पर पहुंचाती है। ट्रेन 2172 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है 40 घंटे 20 मिनट में और ये डिस्टेंस को कवर करने के लिए ये ट्रेन 25 हॉल्ट लेती है। सो गाइस अभी मैं हूँ दानापुर स्टेशन में और यहाँ से मैं इस ट्रेन में बोर्ड करूँगा। गाइस आज की जो जर्नी होने वाली है वो होने वाली है 3rd AC कोच में और मुझे मिला है मेरा फेवरेट सीट साइड लोअर। अपनी सीट B5 55 साइड लोअर ये पूरा पिलो वगैरह पूरा गंदा देखते हैं भैया वो मेरे सीट पे चादर वगैरह नहीं है लाइनिंग बेडशीट और तकिया वगैरह नहीं है ना अभी देर से निकल ले दो क्या यहाँ से निकल ले दो कोई नहीं कहाँ इधर है कुछ ये गंदा तकिया है क्या भाई ये बहुत गंदा है यार कोई सही दो ना यार इतना गंदा ले मैं नया कहाँ से ला दूं भाई सील पैक आता है ये तो सील पैक पूरा आता है ये पूरा और ये तकिया इतना गंदा दोगे भाई इतना गंदा तकिया दे रहे हैं बताइए ये कौन ओढ़ा है कौन रखा है भाई हम ले लें चाहिए नहीं चाहिए चेंज कीजिए इसको कर दो आप कंप्लेंट कर दीजिए ये नया नहीं आता भैया तो भाई इसकी जो खोल है वो चेंज करोगे ना ये है ना खोल इधर रखा है ये भी तो भाई वैसे ही गंदा है कहाँ साफ है ये तो यार भाई इतना गंदा दोगे यार क्या आपको अलग से नया बना के दूं क्या तो भाई साफ रखो ना सील पैक आता तो तुम तो अगर तकिया हो गया कुछ दिए नहीं तकिया ऐसे मत क्या करो रखा है कोई डबल रखा होगा गंदा तकिया बोल रहा है कि इसको ले लीजिए मेरे पास भी कवर नहीं है अभी तकिया भाई बहुत गलत सर्विस दे रहे हो तुम लोग यार ये भाई इतना गंदा तुम दोगे सो गाइस ये आप देख सकते हैं विदाउट सील पैक यहाँ दिया जा रहा है ये और एक चादर दिया और एक कंबल दिया उसने और ये तकिया का जो आप देख सकते हो क्या हाल है इसमें मैंने खोल भी मांगा उससे लेकिन वो गया लाने के लिए देखते हैं कब तक लाता है बेड सरिया लिया अब मैं जाऊँगा सोने के लिए साजिद सर
651 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके हम लोग आ चुके हैं चित्रकूट रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है CKTD। और यहाँ पे ये ट्रेन हम लोग आई है 25 मिनट डिले। बात की जाए इस रेलवे स्टेशन की तो यहाँ पे आपको 3 प्लेटफॉर्म देखने को मिल जाते हैं। और चित्रकूट गाम करवीर रेलवे स्टेशन पड़ता है यूपी में, उत्तर प्रदेश। गाइस मैंने आपको बोला था कि मैं मिलूँगा आप लोगों से प्रयागराज खिड़की में, लेकिन मेरी नींद खुली नहीं, अभी जस्ट होकर उठ रहा हूँ। वही मैंने देखा कि प्रयागराज जो खिड़की है वो निकल चुका है। बाकी आपने कल देखा ही, कल रात को क्या सीन हो गया था, जो बेडशीट वगैरह थी बहुत ही गंदी थी, साथ ही साथ जो किलो था वो बहुत ही गंदा था, तो मैंने उसको बोला था उसने चेंज किया। तो अभी तक का तो ये सफ़र कट रहा है इस ट्रेन में कुछ इस तरह का। बाकी अगला स्टेशन आने वाला है बांदा, मैं आप लोगों से मिलता हूँ, देखता हूँ वहाँ पे क्या होता है। फिलहाल हम लोग खाना भी ट्राई करेंगे इस ट्रेन का, और ये रही अपनी ट्रेन। चल चलते हैं, यहाँ पे 2 मिनट का हॉल्ट है। लेमन टी नहीं है क्या? नहीं, दूध वाली है। जो होता है वो सारे चाहिए। जो है सो मिलेगा, जो स्टैंडर्ड वो आता है वो सारे। जब आप बोल दिए मैं समझ। और रात में क्या ऑप्शन है? रात में कुछ चेंज वगैरह नहीं होगा, सब चीज़ चेंज हो जाता है। दिन क्या हिसाब की थी? बाकी रात कम बताते हैं। आधा लीटर का है, भरेगा है। बस बस इसको भी पी लीजिएगा, समझे, नमक डाल के। सौ 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके हम लोग आ चुके हैं ट्रेन का 10वां हॉल्ट बांदा रेलवे स्टेशन। गाइस यहाँ पे ये ट्रेन है, ये 35 मिनट डिले। यहाँ पे ट्रेन का आने का टाइम था 10:25, और यहाँ पे ये ट्रेन है ये 11:00। सो ये पूछे, और यहाँ पे ये ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। बांदा रेलवे स्टेशन पड़ता है उत्तर प्रदेश के अंदर, डिवीजन इसका 80 है, और ये नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन के अंदर आता है। बात कीजिए ट्रेन की पंचुअलिटी के, तो ये ट्रेन 20 से 35 मिनट लेट ही चल रही है। बाकी देखते हैं शायद ये ट्रेन आगे कवर कर ले। जगह की मैंने खाना भी क्या अभी ऑर्डर दिया है दोपहर में, इसका मैंने ऑर्डर दे दिया है। सो देखते हैं खाना कैसा इस ट्रेन का, बाकी बिल वगैरह तो हम लोग ही लेंगे। सो यहाँ से हम लोग डिपार्चर ले चुके हैं बांदा रेलवे स्टेशन से। बाकी आपको यहाँ पे 3 प्लेटफॉर्म देखने को मिल जाते हैं बांदा में, और यहाँ पे आपको खाने पीने का सामान भी देखने को मिल जाता है। अगला स्टॉपेज होने वाला है महोबा जंक्शन, और गाड़ी जो है वो 35 मिनट डिले चल रही है, शायद से कवर कर ले बिकॉज अभी काफ़ी टाइम है। सबका हिसाब कर देंगे एक बार। दही इसमें कहाँ है? दही दही अभी दे दिए, अभी वो दही बेच रहे थे पूरा चीनी के साथ 30 रुपए के, साथ ही में ऐड रहता है 80 ग्राम का दही। पराठा दे दे, नहीं पराठा नहीं, दही दीजिए ना, उसी में ऐड रहता है। ये गलत बात है ना, कुछ एडजस्ट कर रहे हैं आप। सो गाइस अपनी थाली आ चुकी है, ये है स्टैंडर्ड थाली जो कि 80 की आती है, और इसमें आप देख सकते हैं एक दाल है, एक सब्जी है आलू की, एक पिकल है, राइस है, और ये चम्मच। बाकी यहाँ पे उन्होंने एक भुजिया भी दिया है, और रोटी उन्होंने मुझे 2 पैकेट दे दी। मैंने उनको बोला दही के बारे में, तो उन्होंने बोला कि दही अभी है नहीं, तो उसके जगह पर उन्होंने एक एक्स्ट्रा सब्जी दी है, और ये उन्होंने रोटी दी एक्स्ट्रा। सो अभी इसे खाते हैं इसके बाजू में। और दही का तो मैं वैसे ले लेता, लेकिन थोड़ा सा मेरा गला भी फंस रहा था, इस वजह से मैंने यही समझा कि सही यही सही है। सब्जी और एक्स्ट्रा रोटी उन्होंने दे दिया दही के बदले।
बाकी हम लोग इसे टेस्ट करते हैं, देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। वैसे आप लोग दाल की थिकनेस देख सकते हो, सही है, मीडियम है, लेकिन क्वांटिटी थोड़ी सी कम इसकी दी गई है। और ये रही सब्जी, जो कि आलू और गोभी की मिक्स सब्जी है, और बाकी ये आलू का भुजिया हो गया, और ये दो टाइप। सो पहले मैं टेस्ट करता हूँ दाल से। टेस्ट दाल का सही है, अब सब्जी टेस्ट करते हैं एक बार कैसा है इसका। सब्जी का भी टेस्ट सही है, गर्म है सब्जी। आलू का भुजिया टेस्ट करता हूँ कैसा है। इसका भी टेस्ट काफी अच्छा है। मैं सब फिनिश करता हूँ, दिन आप लोगों से मिलता हूँ। यहाँ देखे गाइस, खाना खाते खाते महोबा जंक्शन भी आ चुका है। 74 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके हम लोग आ चुके हैं महोबा जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है MBA। और यहाँ पे ये ट्रेन 35 मिनट डिले आई है। बात कीजिए ट्रेन की टाइमिंग की, तो ये ट्रेन जो है वो लगातार आधे घंटे से लेट ही चल रही है। और मैं भी खाना का रिव्यू कर रहा था जब तक महोबा जंक्शन आ गया। सो मैं तो फिलहाल इसे फिनिश करूँगा, दिन आप लोगों से मैं मिलूँगा डायरेक्ट खजुराहो में। डिस्टेंस कवर करके हम लोग आ चुके हैं खजुराहो जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है KURJ। और यहाँ पे ये ट्रेन 35 मिनट डिले पहुँची है। खजुराहो जो है वो MP पड़ता है मध्य प्रदेश के अंदर, और डिस्ट्रिक्ट इसका आता है छतरपुर। और बात की जाए इस ट्रेन की टाइमिंग की, तो ये ट्रेन लगातार आधे घंटे से लेट ही चल रही है। खजुराहो की बात किया तो 3 प्लेटफॉर्म आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं। लोगों की ट्रेन है उसका लोकोमोटिव यहाँ पे रिवर्स होगा, तो यहाँ पे इस ट्रेन का जो है 25 मिनट का स्टॉपेज है। जनरल क्लास ब्रौनी अहमदाबाद एक्सप्रेस का पूरे तरीके से ये ट्रेन भरी हुई है। अरे कोई दिक्कत नहीं, अरे वो सो लोकोमोटिव को यहाँ से रिवर्स किया जा रहा है, कुछ इस तरह से लोकोमोटिव रिवर्स किया जाता है। वडोदरा का WEB 7 लोकोमोटिव लगा हुआ है, और ये लोकोमोटिव अभी जाएगा इसके अपोजिट साइड में। एक 1003 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके हम लोग आ चुके हैं अलीपुर जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है LAR। और यहाँ पे इस ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। ये ट्रेन यहाँ पे 58 मिनट डिले पहुँची है। बात की जाए अलीपुर की, तो ये आता है उत्तर प्रदेश के अंदर, और यहाँ पे नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म आपको 3 देखने को मिल जाते हैं। वहीं पे 55 मिनट चार्ज कर दीजिए, है ना? क्या अंडा था अंडा थाली का हो गया ब्लॉग बना रहे हैं? नहीं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं नहीं, जर्नी हमको 2 लात मार ली है मंजू, लेकिन वीडियो नहीं बना, हम सिर्फ दिखा रहे हैं। किसी को पेट में लात नहीं मार, पेट पे लात नहीं बनाइए, सॉरी। ठीक है, रेट की वेज का 120 है, अंडा का 120 है, तो बोलिए उसको हमको स्टैंडर्ड थाली चाहिए। जो 80 का आता है उसमें 80 ग्राम का दही रहता है, चावल रहेगा, दाल रहेगा, सब्जी रहेगा, और 2 रोटी रहेगा। तो उसमें बिल लाइए हम पे करेंगे, और बिल नहीं देगा तो पैसा नहीं देना है। फूड फ्री है, टीशर्ट ऊपर रहता है, नो बिल, बिल नहीं तो पैसा नहीं।
1027 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके हम लोग आ चुके हैं रानी कमलापति, जिसका स्टेशन कोड है RKMP। और यहाँ पे इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। एंड गाइस यहाँ पे ये ट्रेन आई है 20 मिनट डिले। रानी कमलापति पहले इसका नाम था हबीबगंज, जिसको चेंज करके रानी कमलापति इसका नाम रख दिया गया है। ये आता है मध्य प्रदेश के अंदर। गाइस सबसे खास बात ये है कि ये जो स्टेशन है ये इंडिया का पहला ऐसा स्टेशन है जो कि प्राइवेटिवली रन होता है। कि आप लोग यहाँ पे साफ सफाई देख सकते हो इस रेलवे स्टेशन की, बहुत ही नीट एंड क्लीन ये रेलवे स्टेशन है। गाइस ये रही अंडा थाली जो कि आ चुकी है, यहाँ देख सकते हैं ये भी अंडा थाली है और ये भी अंडा थाली है। और दही के बारे में हम लोगों ने बात किया तो उन्होंने दही की जगह पे ये एक्स्ट्रा सब्ज़ी दे दी है, और यहाँ भी एक सब्ज़ी उन्होंने दिया एक्स्ट्रा। सो गाइस ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आलू और मटर की सब्ज़ी दी गई है, दो अंडा है, राइस है, पिकल है, और ये दाल हो गया, और दो चपाती दी गई है, मतलब पराठा है ये। और भाई को भी सेम मिला है, दो रोटी, अंडा और सब्ज़ी। दही के बारे में जब हम लोगों ने बोला तब उन्होंने ये ला कर दिया है, सब्ज़ी उन्होंने दही की जगह पे दिया है। तो अब मैं सबसे पहले दाल को टेस्ट करता हूँ। दाल सही है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो अंडा है, अंडा कड़ी, ये भी सही है, इसका जो ग्रेवी है नॉर्मल है, मीडियम है। और ये दाल जो कि थिकनेस सही है इसकी। और ये रहा सब्ज़ी, आलू और मटर की सब्ज़ी, और ये जो राइस है वो भी गर्म है। टेस्ट भी काफ़ी सही है और जो ग्रेवी है उसमें टेस्ट आ रहा है। सो गाइस जैसा कि आपने देखा हम लोगों ने खाना खा लिया और जो खाने की क्वालिटी थी वो सही थी। आप लोग चाहें तो इस ट्रेन में जो पेंट्री कार का जो खाना होता है वो ट्राई कर सकते हैं। बाकी बात रहा बिल की तो वो बोले हैं बिल लेकर आ रहे हैं। इन्होंने भी खाया एक थाली। आपको खाना कैसा लगा आप लोगों को? सही था ना खाने का टेस्ट? बस वही है कि एक्स्ट्रा पैसा वो मांग रहे हैं 130। तो हम लोगों ने बिल के बारे में बोला तो वो बोले बिल लेकर आ रहे हैं। बाकी आपको कैसा लगा खाना इस ट्रेन का? टेस्टी था। तो मैं सिर्फ अकेला नहीं हूँ जो ये बोल रहा हूँ, खाना वाकई में अच्छा था, लेकिन वही है कि वो एक्स्ट्रा पैसा चार्ज कर रहे हैं। तो आप लोग बिल का डिमांड ज़रूर करें तभी आपको सही रेट पे खाना मिलेगा। तो गाइस बिल जो है वो लेकर आ चुके हैं। ये रहा बिल, देख सकते हैं यहाँ पे 440 रुपीज़ का ये बिल है। मैंने तो गाइस दिन में एक लिया था वेज थाली जो कि 80 का पड़ा, और चार हम लोग एक थाली ऑर्डर किए थे एक साथ। जो वेज थाली 120 के बोल रहे थे वो उन्होंने यहाँ पे 80 प्राइस लगाया है, और जो एक थाली है वो देख सकते हो 90 रेट है इसका, वो 130 बोल रहे थे। तो ये होता है बिल का फ़ायदा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रेन नंबर लिखा हुआ 19483 and 4 जो कि ब्रोनी अहमदाबाद एक्सप्रेस है। यहाँ पे सारा आपको मिल जाएगा, देख सकते हो डिफरेंस। आप अगर ऐसे विदाउट बिल लोगे एक थाली तो 130 का पड़ेगा, तो 40 रुपया पर थाली आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, और वेज में लोगे तो आपको उसमें भी 40 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो ये बिल का फ़ायदा है, जब भी आप लोग जर्नी करें तो बिल ज़रूर मांगें। बाकी बात की जाए खाने की, तो खाने की तो क्वालिटी सही है इस ट्रेन में, आप लोग ट्राई कर सकते हो, खाना नो डाउट काफ़ी अच्छा है। बस वही है कि एक्स्ट्रा पैसे ये लोग आपसे मांगेंगे तो आप लोग देना मत, बिल की ज़रूर डिमांड करना, पहले बिल ले लेना उसके बाद आप लोग पैसा पे करना। ग्यारह सौ 17 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके हम लोग आ चुके हैं इटारसी जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है ET। और यहाँ पे ये ट्रेन 42 मिनट डिले पहुँची है, एंड यहाँ पे इस ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है। बात की जाए इटारसी की तो यहाँ पे आपको 8 प्लेटफॉर्म देखने को मिल जाते हैं। और इटारसी जो है सबसे खास बात यह है कि इटारसी मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जंक्शन है। इटारसी जंक्शन से आपको हावड़ा, इलाहाबाद, मुंबई लाइन देखने को मिल जाएगी, प्लस आपको दिल्ली और चेन्नई लाइन भी यहाँ से देखने को मिल जाता है। वैसे ये ट्रेन की आप पंचुअलिटी देख सकते हो, बीच में इस ट्रेन ने अपने स्पीड को मेकअप कर लिया था और ये ट्रेन ऑन टाइम चल रही थी, लेकिन दोबारा फिर से ये ट्रेन 42 मिनट डिले हो गई है। लेकिन शायद से ये ट्रेन कवर कर ले, बिकॉज अभी इटारसी और भुसावल के बीच में गैपिंग है, और अगला इसका स्टॉपेज होने वाला भुसावल जंक्शन। तो मैं आप लोगों से वहीं मिलूंगा, बिकॉज अभी नींद काफ़ी ज़्यादा आ रही है। पंद्रह सौ 98 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके हम लोग आ चुके हैं नंदूरबार स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है NDB। और यहाँ पे ये ट्रेन 7 मिनट बिफोर पहुँची है, तो यहाँ पे आपको 3 प्लेटफॉर्म देखने को मिल जाते हैं। और नंदूरबार जो है वो महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है।
गाइज ये मेरा आखिरी हॉल्ट है और मैं यहाँ पे देख सकते हो डिपोर्ट हो चुका हूँ। एंड आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो। जैसे कि आपने कहा कि मैंने खाना जो ऑर्डर किया था तो मैंने बिल भी लिया था, तो आप लोगों को बिल ज़रूर लेना है जब खाना ऑर्डर करें। तो जैसे कि आपने देखा कि बीच में ये ट्रेन लेट चल रही थी, लेकिन आगे चलकर इसने अपने स्पीड को मेकअप कर लिया और ये ट्रेन ऑन टाइम हो गई। और फिलहाल मैं भी जाऊँगा अपने डेस्टिनेशन पर। अगर आपको इसी तरह का और ब्लॉग चाहिए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियो मिलेंगे। सो ये था वीडियो, आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। बाय बाय, टेक केयर माय यूट्यूब फैमिली।